मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वे ब्रेल लिपि में कैसे लिखते होंगे और कैसे पढ़ पाते होंगे। आज सौभाग्य से हमारे साथ श्री रवि कहर जी हैं जिन्हें यह दिक्कत है और वे अनुभवी भी हैं और ब्रेल लिपि में लिखते हैं, शायरी वगैरह लिखते हैं। पहले भी मैंने उनकी एक कहानी साझा की थी विभिन्न मंचों पर। तो आज मैं रवि जी से बात करके आपको बताऊंगा कि ब्रेल के लिए जो स्लेट प्रयोग करते हैं या ब्रेल के बारे में पूरी जानकारी रवि जी देंगे। आइए अब हम रवि जी से सुनते हैं। ये जो है ये हमारी स्लेट होती है, ब्रेल स्लेट बोलते हैं, और इसमें एक लाइन में 27 हैं और सेल हैं, और जिसके एक सेल में 6 डॉट होते हैं। राइट में 1, ये जैसे ये स्टाइलस होती है, तरह तरह की डिजाइन में आती है, लेकिन इसमें खाली ये सुई से लिखते हैं, कील सी होती है। तो इसमें यहाँ राइट में जैसे राइट से लेफ्ट लिखते हैं उर्दू की तरह, और पढ़ते लेफ्ट से राइट ही हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। तो लेफ्ट से भी पढ़ सकते हैं, राइट हैंड से भी पढ़ सकते हैं टच करके ऐसे। अभी वो दिखाऊंगा, ब्रेल पेपर है जो। तो यहाँ से पहले सेल में 1, 2, 3, और फिर 1 के बगल में 4, 2 के बगल में 5, और ये 3 के बगल में 6, ऐसे होता है। तो ये 6 बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी लिपि का प्रयोग करते हुए किसी भी भाषा में लिख सकते हैं कुछ भी। ये स्लेट खोल के दिखाते हैं, ये देखिए ये पूरा इस तरह से है, और इसे कागज फंसाने के लिए कील होती है, एक पिन सी होती है, वो टूट गई है, बीच में पेपर फंस जाता है, फिर हम लिखना शुरू करते हैं। और पढ़ने के लिए अगर हम करें तो ये होता है ब्रेल का पेपर, जैसे इसे हमने यूं फंसा के लिखा था राइट टू लेफ्ट, और इसे लेफ्ट टू राइट हम पढ़ेंगे। जैसे ये डॉट डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें मेरी एक रचना लिखी हुई है, कविता लिखता हूँ, जैसे कविता कहानी नाटक लिखता हूँ, तो इसमें एक रचना है। तो इसे हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे कि जब तलक तेरी जब तलक तेरी रहमत का आंचल मिला, मैं सितारा रहा, सबको प्यारा रहा, तम भी छाया न था, खाली छूने से इतना फास्ट पढ़ पाते हैं, गम भी आया न था जी, जब तलक तेरी आंखों का तारा रहा। तो ये इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं। और ये क्या है, स्पेसिफिक पेपर ऐसे ही मिलता है या कोई भी कागज आप किसी भी पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा पेपर इसलिए लेते हैं कि उसमें डॉट्स सेफ रहते हैं, ज्यादा दिनों तक टिक पाते हैं। अगर हम जैसे प्रिंट का पेपर पतला वाला लेंगे, जो प्रिंटर में लगता है या किताब में होता है बिल्कुल पतला, तो उसमें डॉट्स जल्दी मिट जाएंगे, तो पढ़ने में थोड़ा समस्या हो सकती है। अच्छा, ये डॉट जरा देखा जाए कैसे होता है, थोड़ा नजदीक से रखिए, वहीं रखिए, मैं दिखाता हूँ जूम करके। हाँ, ये जो ऐसे, अब जरा आप एक लिख के दिखाएंगे। हाँ, लिख के दिखा देंगे थोड़ा सा। मान लीजिए जैसे मैं ये पेपर लगा रहा हूँ, यहाँ से मैंने मार्जिन ले लिया, ये बराबर आ गया। अब यहाँ हाथ रख के इसे ऐसे बंद कर दिया। अब मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा जी, आप प्रणाम, प्रणाम लिखिए। मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया प्रणाम शुक्ला सर। तो ये कितने खात ने आपने प्रयोग किया इसमें, आप देखिए ये ये लिखा है मैंने। हाँ। तो इसमें क्या है, जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसके अक्षरों के नंबर डिसाइड किए गए हैं। ये जो 4 डॉट हैं, 5 डॉट हैं, प्र अधा पा है, फिर रा है, फिर अणा है, ये 4 का, फिर ये आ है, ये मा है, देन स्पेस दिया गया है, फिर ये तलविशा है शलगम वाला, फिर छोटा ऊ है, फिर ये आधा का है, फिर ये ला बड़ा आ स्पेस स दंतिसा, और ये र, और ये संबोधन चिन्ह है। तो इसमें क्या होता है,
कि जैसे अक्षर होता है छोटा से लेके ज्ञ तक, उसमें सबके नंबर डिसाइडेड होते हैं। छोटा आ का 1 नंबर, बड़ा का 3 4 5, छोटी का 2 4, बड़ी का 3 5, छोटा उ का 1 3 6, बड़ा उ का 1 2 5 6, री का 5, 1 2 3 5, इस तरीके से सारा चलता है। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के लिए अलग कोड है, हिंदी हाँ, वर्णमाला के लिए इंग्लिश अलग के है। लिए अलग है। जब हमें कैपिटल लगाना होता है डॉट हाँ सिक्स लगाते हैं, हाँ उसके बाद अक्षर लिखते हैं। जैसे ए के लिए 1 लिखते हैं ओनली, बी के लिए 1 2 लिखते हैं, सी के लिए 1 3 लिखते हैं, डी के लिए 1 4 तो ये खाली फाइव लिखते छू के हैं। आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेजी में है, हिंदी में है या अन्य जी भाषाओं में है। जी बस याद करना होता है हमें। तो एक चीज बताइए, जैसे ठीक है आप हिंदी भाषी हैं, जी आपके लिए ये हो गया अंग्रेजी भाषी, ये हो गया, भारत की अन्य भाषाएं भी हैं तो उनमें भी ब्रेल लिपियां हैं क्या? कुछ कुछ अंतर रह जाता है, बाकी अक्षर सारे लगभग लगभग नंबर थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, बाकी अक्षरों का अंतर रहता है। जैसे उर्दू में है तो मैंने उर्दू ब्रेल थोड़ी बहुत पढ़ी है, मेरे काफी दोस्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रहे हैं, तो मैंने उर्दू की तलखियां पढ़ी हैं ब्रेल में। अच्छा हाँ तो तलखियों में देखा मैंने, जैसे हिंदी का का होता है, उर्दू में एक होता है का, हिंदी में का नहीं होता, उर्दू में होता है का, खा होता है हिंदी में, खा होता है, गा उर्दू में होता है। ये तो मान लेते हैं, हिंदी और उर्दू की बात हो गई। तो इसी तरीके क्या से ब्रेल के भी चिन्ह होते तो हैं। मान लीजिए जैसे दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, जैसे तमिल हो तेलुगु हो, तो उसमें भी कभी अनुभव है आपको कि ब्रेल का शब्द या अक्षर प्रयोग हुआ हो? ब्रेल का प्रयोग ऐसे ही होता है, बस वो शब्द जैसे अब हम अच्छा वो वर्णमाला के हिसाब से बना दिया जाता है, जी जी क है तो इतने डॉट, आ की मात्रा है तो इतने डॉट, का तो खा गा सब लगभग लगभग सेम रहता है, बस उनके हाँ जो लिपि होती है उसके हिसाब से डॉट्स होते हैं। अच्छा, तो इसमें लिपि का तो कोई अंतर नहीं, खाली उच्चारण के आधार पे आप जी बनाते जी हैं। जी उच्चारण के आधार पर हो जाता है। हाँ जैसे मान लीजिए मलयालम में भी क उच्चारण होता है तो उस हिसाब से आपके इसमें लिपियां रहेंगी। हाँ जैसे वड़क्कम हम लिखेंगे हाँ तो हिंदी में, अगर ब्रेल में हमें वड़क्कम लिखना है तो वा 1 2 3 6, अड़ा 1 2 4 5 6, अधा का जो आधा शब्द लिखते हैं, अक्षर को आधा करते हैं, उसके लिए डॉट फोर लगाते हैं पहले, अक्षर से पहले डॉट फोर मतलब चार डॉट चार का लगे। बिंदु, अच्छा चार का बिंदु। हाँ चार का बिंदु लगाने के बाद फिर अक्षर लिखते हैं तो वो आधा हो जाता है। जैसे अब वड़क्कम लिखना है तो वा अड़ा लिख दिया, का के लिए पहले डॉट फोर लगाएंगे, फिर हम का लिखेंगे, फिर पूरा का लिखेंगे, अच्छा, फिर अड़ा लिखेंगे, फिर मा लिखेंगे। ये सीखने में कितना समय लग जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा स्मृति आधारित होता है। ये तो अपने मतलब माइंड की क्षमता पर है एक कि एवरेज आपने तो देखा होगा, आपके साथ ऐसे बहुत बच्चे मिले होंगे, तो अमूमन हाँ, कितने दिनों में लगभग लगने काम को कर किसी लिए? किसी को महीनों महीनों लग जाते हैं। अब जैसे मेरी अपनी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मैं नर्सरी क्लास से पढ़ा बीआरए में, मतलब ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन था दिल्ली में, ये ओबराय होटल है दिल्ली में, उसके बगल में है निजामुद्दीन के पास, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर। जी तो वहां पर जो मुझे सीखने में टाइम लगा था, मैंने लगभग लगभग 1 महीने से कम टाइम में सीख लिया था, याद कर लिया था इसको सारा, क्योंकि अच्छा, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट रहता था, तो फिर मैं नर्सरी क्लास से ही अपनी तो उसमें फर्स्ट आता हाँ था। एक चीज और मुझे बताइए, जैसे आपने लिखा जी फिर पन्नों को आप रखेंगे अपने फाइल में रखेंगे, तो आपको याद कैसे रहता है कि मैंने ये लिखा ये लिखा? तो वो तो फिर टच करके ध्यान हो जाता है ना, कि मतलब ये इधर, जैसे अब मान लीजिए इसमें मैंने यहाँ पे एक ऊपर पेज लगा दिया सेव करने के लिए, कि ये ढका रहेगा, जैसे फ्रंट पेज होता है, तो वो फिर उसके बाद जैसे पेज खोला तो ये लिखा, अच्छा इसमें ये हेडिंग है सेंटर में लिखा हुआ है, उसके बाद फिर मुझे मालूम पड़ गया कि ये फाइल है अच्छा या अच्छा नहीं है। एक पेज में कितने शब्द लिख लेते हैं, मतलब कितने शब्द हो जाते हैं? ये तो वैसे कभी काउंट नहीं किया है कि कितने हो जाएंगे। जैसे आपने अभी अपनी कविता एक पढ़ी तो उसमें कितने शब्द होंगे अंदाज से, अंदाजतन एक लाइन में कितने शब्द आए हैं? एक दो तीन चार पांच छः, लगभग 7 8 शब्द एक लाइन में आ जाते हैं, और कितनी लाइनें हो जाती हैं? 27 लाइनें हैं।
27 लाइनें हैं तो लगभग 200 से पार हो जाता है, लगभग लगभग एक पेज में। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए किसी को ब्रेल सीखना हो तो आप भी सिखा पाएंगे या उसके लिए विशेषज्ञ ही सिखा पाते? नहीं, कोई भी सिखा सकता है, जिसे आता है वो सिखा सकता तो है। जैसे मान लीजिए आपको आता है और एक सामान्य व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं देख पाता हूँ तो मुझे अगर ब्रेल सीखना हो जी, तो आप सिखा पाएंगे मुझे? हाँ, सीख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या अड़चने आ सकती है या कैसे, कितने जल्दी सीख पाएंगे हम? अब ये तो आप कितने जल्दी याद कर पाते हैं, मेमोराइज कर लेंगे उसको, वो आपकी विल पावर पर है। तो कोई ऐसी पुस्तक है जहाँ पूरी वर्णमाला मिले ब्रेल की, ये ब्रेल पे पुस्तकें आती हैं? हाँ, ऐसी पुस्तक आती है जिसमें ब्रेल और प्रिंट दोनों लिखा होता है। अच्छा अच्छा। तो वो देहरादून में जैसे स्कूल है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, अब उसका नाम चेंज कर दिया है, NIEPVD कर दिया है कुछ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर मिल जाती है, दिल्ली में कई जगह ब्रेल प्रेस है, वहाँ मिल जाता है, तो मैं मंगवा सकता हूँ अगर किसी को चाहिए सीखने के लिए। चलिए, बहुत क्योंकि इसका एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम हमें लाइट की जरूरत नहीं है, अंधेरे में ही पढ़ सकते हैं। सर्दी हो तो अपना रजाई में कंबल में घुसकर और ऐसे सीने में रख लिया या बगल में रख लिया ऐसे और उसे पढ़ लिया, तो इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथों का कमाल है। अच्छा, ब्रेल में लिखी पुस्तकें भी आती हैं, कहानियों वगैरह की जैसे? हाँ, ब्रेल में पत्रिकाएं छपती हैं, कहानी छपती है। कोई पत्रिका जो आपको मिली हो आज तक? बहुत पत्रिकाएं पढ़ी हैं मैंने, जैसे दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 5 में इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, वहां से कौल साहब हैं उसके संचालक, JL कौल, जवाहरलाल कौल, तो उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, वो भी टोटली ब्लाइंड है। अच्छा। 2014 में भारत सरकार द्वारा, तो वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है अभी दिल्ली में। अच्छा, तो उनके द्वारा निकाली जाती है पत्रिका? हाँ, वो निकालते हैं, जिज्ञासा निकालते हैं, और कुछ महिलाओं